दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, बॉयज के अंदर एक्सेस बॉडी हेयर क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, इससे क्या तकलीफ है। तो आप सब जान लो कि किसी किसी के अंदर जो एक्सेस बॉडी हेयर दो तरह के होते हैं। देखो, एक तो होते कि इस तरह से हमारे जैसे कि हमारे जैसे बाल, इस तरह से ऐसे बाल, इस तरह से बाल बॉडी में ज़्यादा हों। दूसरा देखिए, ऐसे इस तरह होते हैं कि कई तरह के बाल होते हैं। ये टर्मिनल बॉडी हेयर, अब देख रहे हैं ऐसे पूरे बॉडी में ज़्यादा बाल हैं, यहाँ पैची बाल ज़्यादा हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा बाल हैं, कई तरह बाल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बीमारी होती है, एक होती है नॉन टर्मिनल, मतलब कि थिन बाल जो ज़्यादा हों, ऐसे कहीं भी हो सकते हैं, इस तरह से इस तरह बाल रोए जैसे ज़्यादा बाल हों, रोए बाल ये पैदाइशी होते बाद में होते आ सकते हैं, ऐसे रोए जैसे बाल ज़्यादा हों, इसे बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। ये बोलते इसे बोलते हाइपर ट्राइकोसिस, जो बचपन से होते बाद में बड़े भी होते हैं, जिसको हाइपर ट्राइकोसिस, जो कितना बहुत सीवियर भी होता है, मीडियम होता है। अब देखिए कितने तरह के आ रहे हैं, देखिए ये सब हाइपर ट्राइकोसिस है। ये देख रहे हैं भैया, तो टर्मिनल बाल जो है क्यों होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि किसी किसी के बॉडी में एक हार्मोन होता है डीएसटी। बचपन में सबके सॉफ्ट हेयर होते हैं, बट एक हार्मोन होता है डीएसटी हार्मोन, मेल हार्मोन टोटल टेस्टोस्टेरोन, एक एंजाइम होती 5-अल्फा रिडक्टेज के थ्रू हेयर रूट के अंदर डीएसटी में कन्वर्ट होता है। आप सब याद रखो, हमारे चेहरे पे देखिए यहाँ बाल कड़े कड़े बाल होते हैं, कड़े बाल होते हैं, यहाँ सॉफ्ट होते हैं, तो जिन जिन हेयर रूट के अंदर 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ हेयर रूट के अंदर टोटल टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में। डीएसटी मीन्स डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डीएसटी एक्टिव मेल हार्मोन होता है। आप सब जान लो टोटल टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है डायरेक्टली हेयर रूट स्टिमुलेट नहीं करता है, ये टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है हेयर रूट के अंदर, और फिर वहाँ उसको स्टिमुलेट करता है टू ग्रो, टू बिकम थिक एंड टू बिकम डार्क। तो जिन जिन हेयर रूट के अंदर डीएसटी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है वो बाल कड़े काले और डार्क हो जाते हैं। अधिकांश लोग के अंदर ये बाल कड़े होते हैं, कुछ चेस्ट होते हैं, थोड़े हाथ में थोड़े पांप हो जाते हैं, पर किसी किसी के अंदर जो हेयर रूट नॉर्मली हमारे पांव के बाल, हाथ के बाल, अब्डोमिन साइड के बाल, पीठ के बाल, ये नॉर्मली थोड़े मेल हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं प्लस थोड़े जीन डिपेंडेंट होते हैं, तो किसी किसी के अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं कि ये हेयर जो नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, डीएसटी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, प्लस इनके अंदर डीएसटी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी के बहुत ज़्यादा पार्ट में थिक कड़े डार्क बाल आने लगते हैं। वैसे तो बीमारी नहीं है, मेन के अंदर बीमारी नहीं है, तो पहला तो हो गया डीएसटी प्रोडक्शन की वजह से हो रहा, दूसरी कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, और किसी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर डीएचएस और 17OH प्रोडक्शन ज़्यादा बनेगा ड्यू टू सम बीमारी की वजह से। तो एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी से भी कभी भी एक्सेस बॉडी हेयर मैन में आ जाते हैं। सिमिलरली एक ड्रग होती है फेनिटोइन एंड एक ड्रग होती है साइक्लोस्पोरिन, इनके यूज से भी बॉडी हेयर ज़्यादा आ जाता है। तो प्लस कभी कभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दवा होती है, उसके यूज से भी एक्सेस बॉडी हेयर आ जाता है। तो पर अधिकांश लोग के अंदर जो एक्सेस बॉडी हेयर होती है डीएसटी फॉर्मेशन उनके हेयर रूट ज़्यादा होती है, बिकॉज हेयर रूट सेंसिटिविटी की वजह से। नॉर्मली ऐसा जो इंक्रीज हेयर रूट एक्सेस बॉडी हेयर 100 में से 10 लोग के अंदर होती है, पर सब जान लो कि अधिकांश लोग के अंदर ये बीमारी की बात नहीं होती है,
ये मोर ऑफ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। प्लस जितने ज़्यादा बाल होते हैं उतना वहाँ पर उनको पिंपल होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन खतरा ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा आता है, तो पसीना ज़्यादा तो वहाँ स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा चांस होगा, तो उसको थोड़ा मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर इसको ट्रीटमेंट बात किया जाए तो अगर उनके अंदर एड्रेनल ग्लैंड की कमी है, एबनॉर्मलिटी है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड है, तो उनको दवा से ठीक किया जाता है। अगर ये जीन डिफेक्ट प्लस डीएसटी प्रोडक्शन एक्सेस टेंडेंसी वजह से, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि कुछ डीएसटी ब्लॉकर आते हैं उसे हेल्प किया जाता है। अदरवाइज कॉस्मेटिक रूप से आप चाहे तो आप फिलिप्स का इलेक्ट्रिक सेवर ले लें, उसे यूज कर लें, या आप लेजर के थ्रू भी आप इसको जड़ से उखाड़ा हटवा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा कि ये एक्सेस बॉडी हेयर क्यों होते हैं और कैसे उसको ठीक किया जाता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।